नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते राजनेता जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। कई नामी नेताओं ने जनसभाओं और रैलियों में तरह तरह के दावे भी किए हैं। कई बार विपक्ष पर निशाना साधते हुए संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी भी राजनेता कर बैठते हैं। ऑल्ट न्यूज ने चुनावी रैलियों में होने वाली बयानबाजी पर लगातार नजर बनाए रखी है और ऐसे कुछ मामलों को डॉक्यूमेंट भी किया है। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कई बार विवादित बयान भी दिए। आज के इस वीडियो में हम उनकी स्पीच को डिकोड कर उनके कुछ ऐसे बयानों की चर्चा करेंगे। राम मंदिर को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कुछ बातें कही। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर वोट अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी में है। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं
और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं, कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का, नहीं नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते होते हैं, हो गए कि नहीं हो गए, इन्होंने कर दिया कि न कर दिया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, इनके लिए देश में कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले फैसलों की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष को उनसे ट्यूशन लेनी चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। साथियों, ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूं, मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, यही इनकी साजिश है। आप ऐसे लोगों को अगर आप वोट दे सकते हैं क्या, ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं क्या? साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए, उनकी जमानत जब्त हो जाए। स्पीच देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका का जिक्र करते हुए ये कहा, तो सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है, और जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचैन हो जाते हैं, नींद हराम हो जाती है, लेकिन फिर क्या करते हैं, जैसे बहुत बुखार चढ़ जाए ना तो वो आदमी कुछ भी बोलता है, ये भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसी गालियां देते हैं। आप मुझे बताइए, बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा ये संविधान सभा ने निर्णय किया था, और सोच विचार करके किया था। अरे इतने ही नहीं, इनके पर नाना ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन 10 साल पहले यहां यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की थी, और कर्नाटका में तो कर दिया, कर्नाटका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है। इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, जितने मुसलमान थे उन सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया, थप्पा मार दिया, कागज निकाल दिया। अब जो ओबीसी को आरक्षण मिला था
उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए और लोग वहां हाथ घिसते रह गए। क्या यहां आपका आरक्षण कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या? क्या आरक्षण लूटने देंगे क्या? क्या ओबीसी का हक छीनने देंगे क्या? क्या एससी का हक छीनने देंगे क्या? एसटी का हक छीनने देंगे क्या? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। वहीं लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने ये कुछ बातें कही। और बिहार के इनके चारा घोटाले के जो चैंपियन है ना, अदालत ने जिनको सजा फरमाई है, अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमान को मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए इसका मतलब दलित आदिवासी पिछड़े ओबीसी इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं भाई। मैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 400 पार मांगता हूं आपसे। वहीं पीएम मोदी का सबसे चर्चित बयान ये है। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं, ये नया ले आए भाई, वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे, मतलब आपका लॉकर में क्या है, आपकी जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना, चांदी कितनी, आपके मंगलसूत्र कहाँ है। वो लूट चलाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा, मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कहकर दे। और ये लंबे समय से उनकी इकोसिटी में, उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी घोर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो, तो वो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। ऐसे ही दलित वोटर्स को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। साथियों, ये लोग संविधान विरोधी है, ये दलित और पिछड़े विरोधी है। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया, इससे जम्मू कश्मीर में भी संविधान लागू हुआ, वहां दलितों को भी उनके अधिकार मिले। वो दो दिन पहले ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है, बड़ी खुशी खुशी मना करके वो कागज लेकर के फोटो निकलवा रहे हैं। ऐसे गरीब लोग निराधार पड़े थे देश में, कोई उनकी पूछने वाला नहीं था जी। इसके जो लाभार्थी है उनमें ज्यादातर मेरे दलित भाई बहन है, मेरे पिछड़ी समाज के भाई बहन है। सपा कांग्रेस के लोग इसका भी विरोध करते हैं। सपा के लोगों ने यूपी में दलितों के साथ कितना अन्याय किया है ये बच्चा बच्चा जानता है। सांप्रदायिक दावे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद का जिक्र किया और ये कुछ बातें कही। आपको याद है ना सपा के शासन में क्या होता था? अरे उस समय बिजली भी जो वोट जिहाद करेगा उसके लिए रिजर्व रहती थी
बातियों को बिजली नहीं मिलती थी। और मैं आज एक और बात कह रहा हूं, जिस वोट बैंक के पीछे लोग भागते हैं, वोट बैंक की अब इनकी सच्चाई समझने लगे हैं। तीन तलाक कानून से खुश हमारी माताएं बहनें बीजेपी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। भाई और बहनों, राम काज से आगे अब राष्ट्र काज का समय है। राम काज की प्रेरणा राष्ट्र काज के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दावा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बिजली पहुंचाने में प्राथमिकता दे रही है, कई सालों से चलाया जा रहा है। हालांकि ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक रिपोर्ट में सामने रखे गए ये आंकड़े इस दावे को झुठलाते हैं। वहीं अपनी स्पीच में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, साथियों आप तो जानते हैं मैं 2014 से काम में लगा हूं, स्वच्छता अभियान, सफाई कर रहा हूं। देश साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी भी सफाई कर रहे हैं, वो भी सफाई होनी चाहिए ना। दुर्गंध आती है तो नींद आती है क्या? तो दुर्गंध हटानी पड़ती है ना। तो योगी जी वो काम भी बड़े अच्छा कर रहे हैं, और ये सफाई होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। लोग विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे के लिए रुपये लगाने के लिए तैयार हुए हैं। साथियों, जहां जहां राम के निशान है उन क्षेत्रों को रामायण सर्किट के तहत विकसित बनाने की योजना। गौर करें कि अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने कई बार सांप्रदायिक दावे किए हैं। बहरहाल न्यूज 18 को इंटरव्यू देते हुए हमारे पीएम मोदी ने ये कहा कि वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं और न ही उन्होंने कभी मुस्लिम विरोधी टिप्पणी की है। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने मैंने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है, मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। लेकिन अगर राजस्थान के बांसवाड़ा और कई जगहों पर की गई उनकी स्पीच को सुने तो पता चलता है कि कई दफा उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। झारखंड में भाषण देते हुए पीएम मोदी ने खुलेआम मुसलमानों पर निशाना साधते हुए उन्हें घुसपैठिए कहा था। हमें एक बात याद रखनी है, जो झारखंड के बहुत बड़े गुनहगार हैं, जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है,
जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी एसटी ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। आपका पूरा आरक्षण छीन कर ये लोग मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको ये स्वीकार्य है? आपको ये मंजूर है? कांग्रेस जामुमो को अपने आरक्षण पर डाका डालने देंगे क्या आप? साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान दलित, पिछड़ा और आदिवासी को होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने खेल कई राज्यों में खेला। कांग्रेस ने घुसपैठियों को समर्थन दिया, नतीजा ये कि दलित और आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। अब वही आग ये लोग झारखंड में लगाना चाहते हैं। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटिया सामने आ रही है। ये जो घुसपैठिया आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? ये किसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? दलित आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग। झारखंड और भारत की पहचान बदलना चाहते हैं, इसलिए आपको इनसे सावधान रहना है। वोट जिहाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में एक रैली में ये बोले थे। भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। ऐसे ही भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भाषण देते हुए मुस्लिम विरोधी बयानबाजी की थी। माँ, माटी और मानुष, ये नारे के साथ ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और देखते देखते तुष्टिकरण में माँ, माटी और मानुष का नारा मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गया। मुल्लाओं को खुली छूट दी है, मदरसों को हमारा धन दिया जाता है और माफियाओं को गरीब जनता पर लूटमारी करने के लिए खुला छोड़ दिया है। ममता बनर्जी जी, ये सारी चीजें अब आगे नहीं चलेगी। तो जैसा कि आपने देखा, चुनावी दाव पेच में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर निशाना साधते साधते देश की माइनॉरिटी के खिलाफ खुलेआम भाषण दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर भाजपा नेता और राइट विंग यूजर्स को क्या ही कहे। हाल ही में सांप्रदायिक बयानों के लिए जाने जाने वाले यति नरसिंहानंद ने ये कहा कि धर्म संसद में उन्होंने जो बातें कही थी वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम मंचों से कर रहे हैं। निकले हैं, हताशा से निकले हैं और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं अंतिम युद्ध के लिए। विश्व धर्म संसद और धर्म संसद, देखिए हमने जो धर्म संसद में बातें कही थी, आप मीडिया के लोग इसके गवाह हैं, वही बातें आज भारत के प्रधानमंत्री अपने सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं। इसका मतलब हमने तो गलत बोला ही नहीं था। इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन भी इसे लेकर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। चुनावी खेल में खुलेआम जनता के बीच नफरत फैलाई जा रही है, जो कि आगे चलकर देश के लोकतंत्र के लिए खतरे का स्वरूप बन सकता है। नफरत और गलत दावों के खिलाफ हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समर्थन करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।